एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जो है यूफोर्बिया मिली का प्लांट। तो यूफोर्बिया मिली एक सेमी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इस तरह का ये प्लांट होता है। और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आपको प्लांट्स आजकल नर्सरी में देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जो जिनके जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर छोटे साइज़ के आते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये थॉर्न वैरायटी का प्लांट है, जिसमें इस तरह से जो है कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। और आजकल अगर आप देखेंगे तो इसमें प्लांट्स ऐसे भी आने लगे जिसमें कोई भी थॉर्न नहीं होता है, बिल्कुल भी उसमें कांटे नहीं होते हैं। तो दोनों में से किसी भी प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। और ये जो प्लांट अभी आप देख रहे हैं ये मेरा 2 से 3 साल पुराना प्लांट है, और ये इसी तरीके से चलता आ रहा है, और इसमें जो है टाइम टू टाइम फ्लावरिंग भी होते रहती है। तो ये एक प्लांट जो है यूफोर्बिया मिली का, ये थोड़ा टॉक्सिक प्लांट होता है। तो अगर आपके यहाँ पे बच्चे हैं या फिर पेट्स वगैरह, तो थोड़ा आप केयरफुल रहे जब भी आप इस प्लांट को लगाते हैं, तो थोड़ी दूरी पर लगाएं जहाँ पे वो इन प्लांट को टच ना कर सकें। तो इस तरह से ये प्लांट है, और इस प्लांट को अभी आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप नर्सरी से लेकर के आ सकते हैं, या फिर इसकी कटिंग भी लगाई जा सकता है। कटिंग लगाने का टाइम जो अच्छा होता है वो मॉनसून में, तो मॉनसून में आप इसके कटिंग को लगा सकते हैं। और इस प्लांट को यहाँ पर मैंने एक जो है 9 इंच के सीमेंट के पॉट में लगा के रखा हुआ है। इसके लिए अगर आप 9 से 10 इंच का पॉट लेते हैं तो वो इनफ होता है, ज़्यादा बड़े पॉट की भी इसको नीड नहीं होती है। लेकिन जब भी आप इस प्लांट को पॉट में लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स हमें लेना है, क्योंकि ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसके लिए हमें जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स चाहिए होगा। तो इसका एक प्रोपोर्शन जो सॉइल मिक्स का रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि अगर हमने एक बोल जो है मिट्टी का लिया है, सॉइल का लिया है, तो 2 बोल इसमें हम सैंड डालेंगे, जिसे हम बालू भी कहते हैं, और 1 बोल इसमें जो है कंपोस्ट डालेंगे। इस प्लांट को जो है कंपोस्ट की नीड ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन एक बार फरवरी में और एक बार सितंबर में अगर आपने अच्छे से इसको फर्टिलाइज़ कर दिया तो बार बार इसमें जो है फर्टिलाइज़र देने की भी नीड नहीं होती है। अभी जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर इसमें इस तरह से बर्ड्स आ रहे हैं और कहीं कहीं पर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस टाइम में हम क्या करेंगे कि अब हर 15 दिन पे एक दिन इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए हम चाहे तो बनाना भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, मस्टर्ड की एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो हम दे सकते हैं। और क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि ये एक टॉक्सिक प्लांट है, तो इसमें जो है किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड वगैरह नहीं लगता है, कोई भी पेस्ट वगैरह इस पर अटैक नहीं करते। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस प्लांट का कि इसमें इस तरह से जो है बहुत ही सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स खिलते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई भी पेस्ट वगैरह अटैक नहीं करते। तो इसमें नीम ऑयल वगैरह कुछ भी हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें टाइम मतलब 2 से 3 महीने में एक बार आप अगर स्प्रे कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, या फिर नहीं भी करते तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग ले सकें, तो उसके लिए आप अपने प्लांट को जो अच्छे सनलाइट वाली एरिया में रखें अभी, जहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी सनलाइट प्लांट को मिले। इसके अलावा अच्छे फ्लावरिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी आप इस प्लांट को देखिए, इसमें आपको ज़्यादा जो है लीफ नज़र आ रही होंगी, तो आप क्या करेंगे जो भी ये नीचे के साइड से इस तरह से क्या करें कि जैसे ये येल्लो हो रहा है तो इसमें से कुछ लीफ को इस तरह से हटा दें। इस तरह से जो है बहुत सारे लीव्स को आप हटा सकते हैं, 10-15 लीफ को आप हटा दें। इससे क्या होगा कि प्लांट अपनी एनर्जी जो है बर्ड्स लगाने में लगाएगा, ना कि सिर्फ लीव्स ही निकलते रहेंगे। तो ये एक आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए अपने प्लांट से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ही रफ टफ प्लांट है, ईजी टू मेनटेन प्लांट है, और इसमें जो है जब भी आप इस तरह से पानी देते हैं, वाटरिंग जब भी आप करें इस प्लांट में, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि ऊपर की जब हल्की हल्की सी मिट्टी जो है सूखी हुई नज़र आए तभी आप इसमें जो है दोबारा पानी दे दें। और पानी जब भी दे तो एक बार अच्छे से दे कि एक बार जब आपने पानी डाला तो वो पूरा ड्रेन आउट हो गया जो है
ड्रेनेज होल से जो है पानी पूरे अच्छे से निकल जाए, तो इस तरह से आप इसमें जो है पानी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स, आप अपने घरों में ज़रूर लगाएं। और इसके जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्लांट भी आने लगे हैं आजकल। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।